आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की स्क्रीनिंग कमेटी, मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया अध्यक्ष। दीपा दास मुंशी, देवेंद्र यादव, गुलाम नबी आजाद, कुमारी शैलजा सहित पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मनोनीत किया गया कमेटी का सदस्य। पलवल जिले में स्वास्थ्य विभाग चला रहा है पल्स पोलियो अभियान, पोलियो के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। 15 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान, नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चों को प्रत्येक बूथ पर पिलाई जा रही है दवा। अभियान के तहत जिले में स्थापित किए गए हैं 852 बूथ, 852 लोगों की टीम करीब 2 बच्चों को पिलाएगी पोलियो की दवा। ये पल्स पोलियो अभियान पलवल में 15 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा, जिसके अंतर्गत लगभग 1,85,000 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएंगी। पहले दिन जगह जगह बूथ लगेंगे जिन पर बच्चों को बुलाकर दवाई पिलाई जाएगी, दूसरे और तीसरे दिन हमारी टीमें घर घर जाकर बच्चों को दवाई पिलाएंगी। पलवल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक, सिविल अस्पताल में मनाया जा रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी योजना, जिला सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने योजना रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस योजना के तहत जिले के 3,00,000 लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी सुनिश्चित, गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज करा सकेंगे लोग। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बनवाना होगा गोल्डन कार्ड, जिले में योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने लगभग 84,00,000 रुपए की पेमेंट पैनल में रखे गए अस्पतालों को दी। इस साल आयुष्मान भारत की स्कीम को लागू किए हुए 1 साल पूरा हो गया है, 23 तारीख को पूरा देश आयुष्मान दिवस के रूप में 23 तारीख को मना रहा है, क्योंकि पिछले साल 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। तो सरकार ने यह सोचा है कि अब हम 15 सितंबर से और 30 सितंबर तक पूरा आयुष्मान पखवाड़ा बनाएंगे, जिसमें हम स्कीम के बारे में, इसकी बेनिफिशरीज के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में जन जन तक हमने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। इसके तहत इस पखवाड़े में हम जितने भी हमारे आयुष्मान के लाभार्थी हैं उनके लिए गोल्डन कार्ड बनवाएंगे।